हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जोड़ने की प्रोसेस की। जोड़ना मीन्स एडिशन। तब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ डेटा हों, 8, 10, 15, 20 क्वांटिटीज हों, उनको हमको जोड़ना हो, या हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो, लाख, 2 लाख, 10 लाख, है ना। तो पहले हम सिंपल कंडीशन की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ ये 5-6 नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल मैथमेटिक्स का नियम लगाएंगे एडिशन का, सबको इस तरीके से एडिशन में लिख देंगे, है ना, और सबको आपस में जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा ये 42। चेक कर लीजिए आप भी, 2 + 4 = 6, 6 = 12, 12 + 7 हो गया 19, 27, 27 और 5 32 और 10 42, है ना, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया सिंपल एडिशन का। फुटबॉल हम सभी ने देखा है, फुटबॉल पे इस तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं, है ना। तो सभी का अपना अपना एरिया होता है, जनरली सब बराबर ही होते हैं, तो हम उनको नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए S1, S2, S3 इस तरीके से, ठीक है। तो फुटबॉल का अगर टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 ही है तो हम सिर्फ जोड़ भी सकते हैं, है ना, S1 + S2 + S3 इस तरीके से S10 तक हमने जोड़ दिया उसको इस, और अब जो भी वैल्यूज होंगी उनको पुट करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे। इसी पूरी चीज को लिखने के लिए हम इस तरीके का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इतना लंबा एडिशन ना लिख के हम सिंपली ये इस टाइप का डिजाइन बनाते हैं। ये समेशन का साइन हो गया, ये S है सरफेस एरिया के लिए, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 तक है, तो हम वहां पे I लिख देते हैं। I की वैल्यू कहां से कहां हो जाएगी, 1 से लेकर 10 तक, तो नीचे में 1 लिख दिया, ऊपर में 10 लिख दिया, तो I इक्वल टू 1 to 10। तो ये SI का समेशन हो गया। अब इसको एक्सप्रेस करना हो तो हम वापस से I की जगह 1 रखें S1, I की जगह 2 रखें S2, I की जगह 3 रखें S3, 4 रखें S4, 5 रखें S5, 6 रखें S6, 7 रखें S7, इस तरह से 10 तक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल एरिया निकाल सकते हैं जब छोटे छोटे एरिया दिए हुए हों। लेकिन अगर हमें ये टोटल एरिया निकालना है और हमें लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे एरिया दिए हुए हों तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ तो इनके नंबर्स, इन छोटे छोटे एरिया के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो सिंपल एडिशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये जो छोटे छोटे एरिया यहाँ पे हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको हम एलिमेंटल एरिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एलिमेंटल एरिया। ये इतने छोटे होते हैं कि हम कहते हैं मैथ्स की भाषा में कि ये एलिमेंटल एरियाज की वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, मतलब इतनी छोटी है कि लगभग जीरो हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एलिमेंटल एरिया का वैल्यू है 0.00001 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आप खुद सोच लीजिए ये कितना बड़ा वैल्यू है ना, बहुत छोटा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज को हम टेंड्स टू जीरो कह देते हैं मैथ्स की भाषा में, कि ये जो एलिमेंटल एरियाज हैं इनकी जो वैल्यू है वो टेंड्स टू जीरो है। तो इस इन वैल्यूज के लार्ज नंबर ऑफ एरिया से मिलके ये टोटल बड़ा एरिया बनता है। तो कैसे निकाले हम बड़े एरिया की वैल्यू अगर हमको ये सभी छोटे एलिमेंटल एरियाज दिए हुए हों? तो यहां पे हम एडिशन इस्तेमाल ना करके हम लोग एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है इस टाइप का कर्व होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंटल एरिया लिया कोई एक ds और उसको जो है वो इंटीग्रेट कर देते हैं, इससे हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। कंक्लूजन ये है कि अगर हमें थोड़े बहुत डेटा को जोड़ना है तब तो हम सिंपली एडिशन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे डेटा को जोड़ना है वो भी तब जब वो छोटे छोटे डेटा बहुत ज्यादा नंबर्स में है, तब हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? तब हम तरीका इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है।